तो ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं टीसीपी यूडीपी के कॉमन पोर्ट नंबर्स एक बार शो कर देता हूँ, है ना। आई गेस हमने एज सच ये जो टेबल है सीसीएनए में पहले नहीं बनाई थी, आई गेस, है ना। अगर होगी तो अच्छी बात है, बट एज आई कैन रिकॉल इट्स नॉट देयर, है ना, ऑन दिस लेंथ। तो ये एग्जाम में और इंटरव्यू में कॉमनली पूछ लिए जाने वाले कॉमन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स हैं आपके, सो जस्ट रिमेंबर देम फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, राइट। बाकी हम ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो बताने का होगा और हमने डिस्कस ना किया होगा। हाँ, जैसे रिप है वो नहीं किया हमने, और बीजीपी है जो हमने नहीं, तो जो नहीं किया हुआ है उसके ऊपर हमारी अभी इन फ्यूचर इसी सीरीज में लैब्स एंड वीडियोज आने वाली है, सो स्टे कनेक्टेड। नाउ दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, सिस्को राउटर और स्विचेस भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट। तो रहता क्या है कि मान लो अभी जैसे ना, आई डोंट नो, मैं कोई पुराने मेरे डॉक्यूमेंट्स देख रहा था या फिर अब हम काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, तो देन आई रियलाइज कि यार ये तो सबके काम की चीज़ है। जैसे भी आप कोई मान लो L1 की बेसिक सी कोई भी एक सपोर्ट की जॉब करते हैं, आपको मान लो कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर करना हो, तो एक मन में ये रहता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट मैस इट अप, पहली बात। दूसरा कि वट आर द मिनिमम थिंग्स दैट नीड टू बी कॉन्फिगर्ड ऑन अ डिवाइस, जैसे राउटर है या स्विच है, तो कम से कम भाई इतना तो हर एक डिवाइस पे करना ही करना है, तो वो कौन सा काम है, वो कौन सी कॉन्फिगरेशन है। तो हम सीसीएनए में वैसे तो पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें, पर उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक कॉन्फिगरेशन की टेम्पलेट की फॉर्म में मैंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट करनी ही रहती है, बाकी कुछ ऑप्शनल भी हैं, एक्स्ट्रा भी है, कुछ ऐसी है कि भाई रिकमेंडेड है वो करो ना करो, तो हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो वही है भाई, कॉन्फिगर तो तभी करोगे ना जब एक्सेस होगा आपके पास डिवाइस का। तो फर्स्ट एक्सेस टाइप इज फिजिकल कंसोल पोर्ट से, एंड देन आपका वर्चुअल। तो वो डिपेंड करता है आपको फिजिकल कहीं पे जाके काम करना पड़ रहा है या फिर रिमोट मिल रहा है आपको किसी डिवाइस का। ऑब्वियसली अगर रिमोट मिल रहा है तो आपको टेलनेट या एसएसएच फिर उसमें कॉन्फिगर्ड होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो अलग बात है, अदरवाइज वो करने की जरूरत नहीं है। बट मैं मान के चल रहा हूँ अभी कंसोल एक्सेस के बेस पे एंड एवरीथिंग दैट वी कैन कॉन्फिगर फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। कौन से पैरामीटर, नाम डालना है हमें, होस्ट नेम कॉन्फिगर करना है, पासवर्ड कॉन्फिगर करने हैं, कौन से हो सकते हैं, यूजर पासवर्ड दो पढ़े हैं हमने, इनेबल पासवर्ड जो कोई यूज नहीं करता, इनेबल सीक्रेट जो रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, वो मुझे यह मेंशन करना चाहिए, एनीवे मैं वो डॉक्यूमेंट में कर दूंगा। लाइन पासवर्ड कंसोल है, ऑक्स यू विल नॉट फाइंड इन द न्यूअर डिवाइसेस, VTY ये दोनों मस्ट है। अच्छा, VTY में भी टेलनेट और SSH दो रहेंगे, SSH रिकमेंडेड है, टेलनेट आपका डिफॉल्ट है, तो विल टॉक अबाउट बोथ। IP एड्रेस कैसे डालनी है इंटरफेसिस पे, राउटिंग एटलीस्ट आपको स्टैटिक डिफॉल्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, एंड देन हाउ टू सेव योर कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एक और चीज ऐड करेंगे, अगर आपके पास कोई पुराना राउटर आया है आपको उसको बोलते हैं ना फैक्ट्री रिसेट, बिल्कुल उसकी NVRAM डिलीट करके नए सिरे से कॉन्फिगर करना है, तो दैट वी विल ऑल्सो इंक्लूड। अब देखो होस्ट नेम है यार कम, ये सब हम कर चुके हैं, मेरे को इसमें कुछ बताना नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट वट यू नीड टू इंक्लूड इन द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, जैसे ये मैंने ब्रैकेट में BR1 डाला है, होस्ट नेम की कमांड रहेगी रहेगी, BR1 की जगह आपका जो भी नाम होगा आप डाल लो। पासवर्ड में मैंने 123 सिर्फ एक टेस्ट के लिए डाला, आप अपना जो भी एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना है वो डाल लो, ठीक है। ऐसे ही आपका कंसोल में, तो ये इनेबल सीक्रेट यूजर पासवर्ड है आपका, कंसोल वाला पासवर्ड है, ओक्स का है, देन आपके पास VTY डिफॉल्ट पासवर्ड किसका बनेगा, ये टेलनेट का, और ये इंटरफेस पे आपको IPv4 IPv6 मैंने दोनों बताए हुए हैं, नो शट करना रहता है, ठीक है। ये पहले आपका स्टैटिक राउटिंग है, देन आपका डिफॉल्ट राउटिंग है, और स्टैटिक रूट तो आपको डेफिनेटली सारा ही कस्टमाइज होगा कि भाई कहाँ जाना है, क्या सबनेट मास्क है, क्या नेक्स्ट होप IP है। डिफॉल्ट में 0.0.0 ये सेम रहेंगी, बस नेक्स्ट होप आपको डालना रहता है। फाइनल काम क्या है, सेव करने वाला, अगर आप सेकंड मोड में जाए करना चाहते हो तो एग्जिट कर दिया मैंने, कॉपी रन स्टार्ट, अगर आप थर्ड मोड में हो तो डू लगाना है, डू कॉपी रन स्टार्ट, दैट्स इट। राइट मेमोरी राइट, तो दीज आर डिफरेंट कमांड्स फॉर डूइंग द सेम थिंग ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। नाउ ऑप्शनल क्या है आपके पास, आपको अगर मान लो लोकल डेटाबेस से यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड एक्सेस देना है ना, लॉग इन लोकल वाला, तो उसके लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ये Engineer 1 है, ठीक है, प्रिविलेज 15 है, तो ये I नहीं है, ये 1 है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आई डोंट नो PPT में कैसे लिखाता है 1, राइट। ये जो I या L टाइप का है ये आपको क्या मिलेगा, 1। देखो जैसे लॉग इन में और 1 2, ये मैं बता दूंगा जहां जहां में भी कंफ्यूजन आएगी, है ना, लॉग इन लोकल और पासवर्ड 1 2 3 है,
चलिए, तो इसमें बस लॉगिन लोकल मेंशन करके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड रहता है। ये मैंने कराई हुई है वीडियो सारी, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बस ये मैं एक जगह एग्रीगेट कर रहा हूँ इनको। SSH के लिए क्या करना रहता है अपने को, पहले तो VTY में जाके इनपुट SSH करो ट्रांसपोर्ट में, फिर एक डोमेन नेम दो और की जनरेट करा दो। वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। ये फैक्ट्री रिसेट के लिए आप इरेज कर दो स्टार्टअप कॉन्फिग, या फिर आप राइट इरेज भी कर सकते हो, सेम थिंग, एंड रीलोड द डिवाइस। नाउ स्विच के केस में क्या रहता है, हमें आई गेस मैंने ये जो वीडियो है नहीं है हमारे स्विचिंग उसमें वीडियो सेक्शन में ना, आई सी इट एंड आई मेक ए सेपरेट वीडियो। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहो तो कैंपस एरिया नेटवर्क की जो मेरी वीडियो है, जो हमारी किसमें पड़ी है, नेटवर्क नेटवर्किंग प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट में आई गेस मिल जाएगी, वहाँ चेक कर लेना। वहाँ ये सब बहुत अच्छे से मैंने पूरा 1.5 घंटे की वीडियो बताई हुई है। बट एनी वे, मैं ये वाली वीडियो भी आपको आई ब्रिंग इट इन दिस प्लेलिस्ट है ना सोन। तो स्विच पे टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करके, और आपको पूरे एक नेटवर्क में कैसे एक्सेस करना है जहाँ पे राउटर स्विचेज और वो सब होंगे, एंड आप सेम नेटवर्क से कैसे सबका टेलनेट एक्सेस ले पाओ, तो दैट आई ट्राई टू पुट ऑन सोन। बैनर लगाने हैं, वो डिस्क्रिप्शन डालने हैं आपके, ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। ये मैं अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और अभी जो आई गेस पिछली या उससे पिछली यही वीडियो थी, तो आप देख लेना। नो लॉगिंग कंसोल, लॉगिंग सिंक्रोनस, तो ये सब बातें हमने वहाँ पे करी है। तो पासवर्ड इनक्रिप्ट करना हो, हिस्ट्री साइज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपको, जैसे आप लाइन कंसोल में जाके भी अपना हिस्ट्री साइज बढ़ा सकते थे, नहीं तो आप सेकंड मोड में टर्मिनल हिस्ट्री साइज ये वाली कमांड चला के भी, जो डिफॉल्ट आई गेस 10 होती है कमांड, उसको आप जितना मर्जी तक चाहो डाल सकते हो। लास्ट जो है, इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट एक वीडियो भी लेके आऊंगा सिक्योरिटी वाले सेक्शन में, बट एक और रिकमेंडेड चीज ये होती है, क्योंकि हम कभी क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड वाली ना, तो यहाँ से ये जो अनयूज्ड है आपकी सर्विस, जैसे कि HTTPS प्रेफर करते हैं हम फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो HTTP को क्या कर दो, बंद, सो दैट कोई अटैकर आपको ना हैक कर पाए, मतलब एक आपका अटैक वेक्टर कम हो जाए, राइट। CDP जैसे बैंकिंग एनवायरनमेंट है, हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट्स है, वहाँ पे आप डिसेबल करते हो ऑब्वियसली, ठीक है। नो IP डोमेन लॉकअप, आपने कुछ गलत कमांड टाइप कर दी, वो ढूंढ रहा है कि भाई इस नाम से जुड़ा IP कौन सा है, वो डोमेन नेम सर्च कर रहा है, तो इट वेस्ट योर टाइम, आप उसको ब्लॉक कर दो। तो दीज आर सम योर ऑप्शनल बट रिकमेंडेड कमांड एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये हम ओवर CCNA डिस्कस करते हैं सारी बातें, कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है बाई यूजिंग दीज टी शूट कमांड्स है ना, मेनली शो की ही कमांड रहती है। सो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो, राइट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।